ईडी दफ्तर पहुंची सुनीता केजरीवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल की मुलाकात। आम आदमी पार्टी ने डीपी कैंपेन किया लॉन्च, आपके सभी नेता कार्यकर्ता लगाएंगे केजरीवाल की तस्वीर, नारा दिया मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। बिना सबूत के केजरीवाल को जेल में डाला गया, पीएम को पता है बीजेपी को सिर्फ वही हरा सकते, मंत्री आतिशी का बयान। आतिशी ने केजरीवाल को एक आइडिया बताया, कहा एक केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, उनकी सोच के हजारों केजरीवाल तैयार होंगे। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, दो साल से अधिक की सजा पाने वाले को देना पड़ता है इस्तीफा, मंत्री आतिशी ने दी जानकारी। सीएम केजरीवाल जब जेल से बाहर आएंगे तो होली मनाएंगे, आचार संहिता में सीएम को अरेस्ट करने से पूरी दुनिया शौक, मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का गाने के माध्यम से केजरीवाल पर तंज, कहा कोई खेले रेल में कोई खेले जेल में होली। उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में बस मारती के समय हादसा, होली खेले के दौरान लगी आग। अचानक आग लगने से मुख्य पुजारी समेत 14 लोग झुलसे, सभी घायलों का इलाज जारी। घायलों से मिलने इंदौर पहुंचे सीएम मोहन यादव, अस्पताल में चल रहे इलाज का लिया जायजा। घायलों से मुलाकात के बाद बोले सीएम मोहन यादव, हादसे की जांच के आदेश दिए, ईश्वर की कृपा से बड़ा हादसा टला, सभी घायल पुजारियों का होगा इलाज, सभी को 1-1 लाख रुपए आर्थिक मदद की जाएगी, सीएम मोहन यादव बोले। महाकाल मंदिर की घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख, सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम मोहन यादव से हादसे पर जानकारी ली, बाबा महाकाल के सभी के स्वस्थ होने की बाबा महाकाल से कामना की। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की, कोटा से प्रहलाद गुंजल, राजसमंद से सुदर्शन रावत को बनाया उम्मीदवार। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच मातोश्री में हुई बैठक, विवाद वाली सीटों पर चर्चा। साउथ चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सुंदर राजन ने किया नामांकन, कहा मैं जनता के लिए करती हूं काम। विपक्ष मोदी को जितनी गालियां देगा जनता का उतना ही समर्थन मिलेगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कंगना को लेकर अभद्र पोस्ट पर सुप्रिया श्रीनेत्र की सफाई, मेरा अकाउंट कोई और चला रहा था, किसी महिला पर ऐसी टिप्पणी मैं नहीं कर सकती। सुप्रिया का बयान, मैं खुद जानने में लगी हूं किसने पोस्ट किया, विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी, नहीं कर सकती अभद्र टिप्पणी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर अटैक, कांग्रेस का असली चरित्र आया सामने, मामले में कार्रवाई की मांग की। असम में कांग्रेस को झटका, विधायक भरत चंद्र नारा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। असदुद्दीन ओवैसी का हिमंत विश्व शर्मा पर अटैक, कोई नहीं मांग सकता वफादारी का सबूत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के पीएम से की मुलाकात, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। जेएनयू छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धनंजय बोले, वामपंथ के काम पर छात्रों ने दिखाया भरोसा। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक, विधि विधान से की पूजा अर्चना। एमपी के धार में भोजशाला परिसर के एसआई सर्वे का आज चौथा दिन, 22 मार्च से शुरू हुआ था पुरातात्विक सर्वेक्षण। दिल्ली के पांडव नगर रेप केस मामले में आप वर्कर का प्रोटेस्ट, मंडावली पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी। दिल्ली के अलीपुर में आग लगने को लेकर मंत्री आतिशी की पोस्ट, लिखा जिला प्रशासन को सभी इमारतों के सर्वे का निर्देश दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई का एक्शन, विदेशी महिला यात्री से 19 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद। दिल्ली में होली के मौके पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दिल्ली के पांडव नगर में हादसा, होली सेलिब्रेशन के बाद हाई टेंशन वायर के संपर्क में आने से कई लोग झुलसे, सभी का इलाज जारी। अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने मनाई होली, खासा हेडक्वार्टर में डांस कर किया सेलिब्रेशन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ जवानों ने मनाई होली, एक दूसरे को रंग लगाकर दी शुभकामनाएं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने बरसाए होली के रंग, जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर मनाया त्यौहार। शिमला में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने खेली होली, समारोह में लोगों के साथ किया डांस। भोपाल में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज ने समर्थकों के साथ मनाया होली का जश्न, रंग लगाकर लोगों को दी होली की बधाई। अयोध्या में होली के मौके पर उमड़ी भक्तों की भीड़, रामलला के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। यूपी के वृंदावन में होली की धूम, श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर में इकट्ठा हुए श्रद्धालु। बनारस में धूमधाम से मनाया गया होली का त्यौहार, दशाश्वमेध घाट पर लोगों ने खेली होली। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खेली होली, कहा 4 जून को देश में दोबारा खेली जाएगी होली। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनाई होली, अपने आवास पर लोगों को गुलाल का टीका लगाकर दी होली की बधाई। उत्तराखंड के सीएम धामी ने देहरादून में परिवार के साथ मनाई होली, समर्थकों के साथ क्षेत्रीय लोकगीत पर थिरकते नजर आए मुख्यमंत्री। शिमला में हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने खेली होली, अपने आवास पर समर्थकों के बीच मनाया त्यौहार। बिहार के पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने मनाई होली, समर्थकों के साथ गुलाल और फूलों से खेली होली। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में मनाई होली, ऊंट की सवारी कर पिचकारी से बरसाया रंग। आईपीएल 2024 के फेज 2 का शेड्यूल जारी, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर मैच। चेन्नई के एम एस चिदम्बरम स्टेडियम में 26 मई को आईपीएल 17 का फाइनल मैच, क्वालिफायर 2 बीसी मैदान पर होगा।